हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, बीच में से हिलेगा। निकल जाएगा, निकल जाओ। बहुत डर लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा नेपाल। अभी मैं हूँ नेपाल में और मैं पहले सबसे पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ यार चारों तरफ का। ये देखो यार, पीछे फेबा लेक है, बहुत ही फेमस फेबा लेक यहाँ की। और ये पीछे पूरी माउंटेन और इसके पीछे फिश टेल माउंटेन है बर्फ़ वाली, लेकिन अभी सब ढकी हुई है। बहुत ही शानदार थी कल नज़र आई थी। और ये यहाँ के नज़ारे। तो आज का प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं सीधा लोअर मुक्तिनाथ के लिए, और आज हमारा स्टे होगा जॉमसन। तो हमें लगभग 5-6 बजे तक हम पहुँचने की पूरी उम्मीद है। क्या तो हमारे जो राइडर फ्रेंड है यहाँ पे पोखरा में, तो उन्होंने बताया कि रास्ता पहले से काफ़ी बेटर हो गया, तो आप जा सकते हो जॉमसन तक। नहीं तो इससे पहले हमने बैनी का बनाया था, तो अगर बारिश बुरिश ना हुई, लश मतलब कीचड़ वगैरह ना हुआ, तो हम आराम से पहुँच सकते हैं। और बहुत ही शानदार नज़ारे आने वाले हैं, और ऐसा मतलब कि बताया गया है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो बने रहना यार मेरे साथ आखिर तक, और लाइक करना, और कोई भी नया मेरा व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब करना। तो बस रेडी हैं, और सुबह के अभी 6:15 हो चुके हैं, वो 6 बजे हमें निकलना था। तो अभी भी निकलते निकलते मुझे लग रहा आधा घंटा और लग जाएगा। अभी भाई लोग तैयार हो रहे हैं, तो ये व्यू देख लो यार, बहुत ही मस्त व्यू है। अभी मैं होटल के सबसे टॉप पे हूँ, ये देखिए फेवा लेक। चलते हैं नीचे। तो गाइस, ये है पायला हॉस्टल लेक साइड, और हम यहाँ पे रुके थे लास्ट 2 नाइट से। और ऑल सेट फॉर राइड फॉर जॉमसन, और शाम तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है। तो निकलते निकलते 7:30 बज गए हैं। कहाँ, हम 6 बजे निकल रहे थे, अब 7:30 हो गए हैं। तो भोलेनाथ का नाम लेके राइड स्टार्ट करते हैं। जय भोलेनाथ, करियो बेड़ा पार, बम बम भोले। और ये है मार्केट, पोखरा की बहुत ही शानदार मार्केट है ये, और नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे। रात को तो पूरी चहल पहल रहती है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। तो अभी पेट्रोल भरवाना है, अभी मेरे पास 4-5 पॉइंट है, और पेट्रोल भरवा के सीधा निकलते हैं। बहुत लेट पे लेट हो ही जा रहे हैं इस समय, तो हम बैनी क्रॉस कर जाते हैं अगर हम 6 बजे चलते। तो चलो, होप फॉर द बेस्ट। देख पा रहे होंगे फिश टेल माउंटेन सामने, ये देखिए। ये कल से तो बहुत बादल थे, परसों भी बादल थे, नज़र नहीं आ रही थी, अब नज़र आ रही है। कितने बड़े बड़े पहाड़, आपको आइस वाले पहाड़, बर्फीले पहाड़ ये नज़र आ रहे हैं। ये फिश टेल माउंटेन्स हैं ये सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आज थोड़ा मौसम खुला है इसलिए ये नज़र आ रही है, नहीं तो बहुत कम नज़र आती हैं ये सामने। और इन सभी पहाड़ों के बीच में ये पोखरा लोकेटेड है, तभी यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार रहता है। ये देखिए सामने, बहुत ही खूबसूरत है यार, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे पूरे रास्ते में हमें। बने रहना यार लास्ट तक, मज़ा आएगा ये ब्लॉग में आपको। तो प्लेन्स ख़त्म हो गया है और हिल्स शुरू हो गए हैं, और अब हम अप हिल जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर। और रास्ता अभी तक तो बहुत ही बढ़िया है, और मौसम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पहाड़ों का मौसम कभी भी ख़राब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए व्यू, देखिए नज़ारे, देखिए पूरा लश ग्रीन है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। कल तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी, बता नहीं सकता। और आज का प्रोग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया, हम जा रहे हैं जॉमसन, और जॉमसन में आज स्टे करेंगे। जो अभी डिस्टेंस हमने कवर करना है वो लगभग 140 किलोमीटर का है,
और 5 आवर दिखा रहा है गूगल भाई, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। रोड काफ़ी ख़राब है बताया जा रही है। और इससे पहले बैनी आएगा, और बैनी देखते हैं जो बीच में एक्सप्लोर करने वाले कुछ प्लेसेस होंगे तो उसको करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम कुशमा में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है, वर्ल्ड का सेकंड डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज और लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, और एक रिवर पे बना हुआ है ये। तो देखते हैं, बात करते हैं या वापसी में करेंगे, अभी उस पर बाइक राइड करके क्रॉस करने की कोशिश करेंगे उसको। तो हम अभी सस्पेंशन ब्रिज के लिए जा रहे हैं जो कुसमा में है, और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है नेपाल का, और फर्स्ट भी नेपाल में ही है। काली गंदगी रिवर है ये, और ये मुक्तिनाथ से निकल रही है, मुक्तिनाथ तक हमारे साथ रहने वाली है ये काली गंदगी रिवर। तो अभी आपको दिखाते हैं वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, और हम उस पर बाइक राइड करेंगे। मुक्तिनाथ ओके या ये गणपत राय। बड़ा डेयरिंग काम है यार ये भी, जैसे वहाँ से कूदना, पैनेस गस लगा के आ गया। पैनेस ना होते तो आराम से लोगों को निकाल सकता था। ये आप चल रही है सही, तो गाइस अभी हम हैं कुशमा में, और ये सामने देखिए सस्पेंशन ब्रिज, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है ये, जिसको मैंने अभी बाइक से क्रॉस करा और फिर वापसी आया हूँ। और ये देखिए पर्यटन किसी एंड पर्यटन प्रबंधन महोत्सव, तो यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक हो गया हमारा, चाय पानी लेके अब हम निकल रहे हैं। आधा घंटा हो गया कम से कम, मोर देन हाफ एन आवर हो गया, अब निकलते हैं सीधा।